मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया पैटर्न मेकिंग ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आज हम सीखेंगे कि रागुलन स्लीव कैसे विकसित करें। पैटर्न बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि रागुलन स्लीव क्या है। रागुलन स्लीव का इस्तेमाल ज्यादातर टी शर्ट्स और स्पोर्ट्स वेयर वस्त्रों में किया जाता है। यदि आप स्लीव को ध्यान से देखें, स्लीव कंधे के साथ गर्दन की रेखा तक फैली हुई है, तो यह एक विकर्ण सीम बनाती है जो बगल से गर्दन तक आगे और पीछे दोनों तरफ चलती है। स्लीव का नाम लॉर्ड रागुलन के नाम पर रखा गया है। फिट्ज़रॉय जेम्स हेनरी समरसेट रागुलन उनका पूरा नाम है। पहला बैरन रागुलन, जिसने वॉटरलू की लड़ाई में अपना दाहिना हाथ खो दिया था, और उन्होंने शायद इस तरह की स्लीव डिजाइन की थी ताकि उनकी कोट की स्लीव हाथ के अनुकूल हो, जो वॉटरलू की लड़ाई के बाद विच्छिन्न हो गई थी। एथलेटिक अपील के कारण 60 के दशक से इसे लोकप्रियता मिली। इस तरह की स्लीव चौड़े कंधों पर अच्छी लगती है। आइए पैटर्न बनाने की प्रक्रिया से शुरू करें। कृपया पूरा ट्यूटोरियल देखें, वीडियो को स्किप न करें। आप महत्वपूर्ण हिस्सा या जानकारी खो सकते हैं। रागुलन स्लीव पैटर्न के लिए आवश्यक सामग्री है: 1. बेसिक बॉडी पैटर्न आगे और पीछे दोनों, 2. मूल आस्तीन पैटर्न, 3. रूलर, मेजरिंग टेप, फ्रेंच कर्व और पेंसिल, 4. कागज काटने वाला सीजर्स और कटिंग नाइफ। पहला चरण, पूरे बेसिक बॉडी को ट्रेस करें, आगे और पीछे दोनों तरफ के पैटर्न को अलग अलग ट्रेस करें। जब आप बोडिस पैटर्न को ट्रेस कर रहे हैं तो अपनी शोल्डर डार्ट को बंद कर दे अगर उसमें डार्ट है। रागुलन स्लीव बनाने के लिए एक सीधी कंधे की रेखा आवश्यक है। इस ट्यूटोरियल में मैंने केवल ऊपरी क्षेत्र जैसे आर्म होल, नेक और शोल्डर लिया है। बेहतर है कि आप पूरे पैटर्न को ट्रेस करें, क्योंकि अंत में आपको रागुलन स्लीव बॉडी पैटर्न, फ्रंट और बैक साइड पैटर्न दोनों मिलेंगे। ट्रेस करने के बाद शोल्डर लाइन को 1 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाएं, कंधे को आगे और पीछे दोनों तरफ उठाएं और प्रारंभिक कंधों के बिंदु से जुड़ें। दूसरा चरण, नेक लाइन और आर्म होल पर माप का प्लेसमेंट। मैंने नेक लाइन पर 3 सेंटीमीटर और आर्म होल लाइन पर 10 सेंटीमीटर लिया है। उठाए गए कंधे की रेखा बिंदुओं से माप रखें। माप आपके डिजाइन या स्लीव की विविधताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद उन्हें स्ट्रेट और कर्व लाइन से जोड़ दें या अपने डिजाइन के अनुसार जुड़ें। मैंने इस पैटर्न में कर्व लाइन का उपयोग किया है। यह एक स्टाइल लाइन है। यह गारमेंट्स के प्रकार पर भी निर्भर करती है। तीसरा चरण, पैटर्न को बॉडी पैटर्न से काटें और अलग करें। आपको दो अलग अलग पैटर्न मिलेंगे, फ्रंट और बैक शोल्डर पैटर्न। बाद में हम इसका उपयोग स्लीव पैटर्न बनाने के लिए करेंगे। कट आउट के कुछ विवरण। नेक लाइन, शोल्डर लाइन, आर्म होल लाइन, स्टाइल लाइन या आर्म होल टू नेक सीम लाइन। चौथा चरण, स्लीव पैटर्न डेवलपमेंट। बेसिक स्लीव पैटर्न ट्रेस करें। ट्रेस करने के बाद केप हाइट से कफ के मध्य तक स्लीव की केंद्र रेखा खींचें। अब केंद्र की रेखा को 1 सेंटीमीटर सामने की ओर खिसकाएं। फिर केप से 2 सेंटीमीटर मापें और नई केंद्र रेखा पर एक बिंदु चिन्हित करें। नए बिंदु को चिन्हित करने के बाद कंधे के उन हिस्सों को रखें जिन्हें हमने आगे और पीछे के बोर्ड इस पैटर्न से अलग किया है। कृपया प्लेसमेंट प्रक्रिया को ध्यान से देखें। फ्रंट शोल्डर कट आउट को स्लीव के सामने की तरफ और बैक को स्लीव के पीछे की तरफ रखें। नए केंद्र रेखा पर बना नया बिंदु मुख्य प्लेसमेंट बिंदु है। कट आउट शोल्डर पॉइंट को नए स्लीव कैप पॉइंट पर रखें और स्लीव पर आर्म होल लाइन के प्लेसमेंट को प्रबंधित करें। प्लेसमेंट को सुरक्षित करें और कट आउट को ट्रेस करें। अंत में कुछ एडजस्टमेंट्स जैसे
रेखाओं को आकार देना, ब्लेंडिंग एंड स्मूथिंग, नुकीले किनारों और कोनों को एडजस्टमेंट्स करने के लिए। सभी आवश्यक एडजस्टमेंट्स के बाद आपकी रैगलन स्लीव पूरी तरह से तैयार है। कटआउट लगाने के बाद स्लीव का विवरण। नेक लाइन, शोल्डर लाइन, आर्म होल लाइन, स्टाइल लाइन या आर्म होल टू नेक सीम लाइन, कटआउट का प्लेसमेंट बिंदु। पैटर्न को पूरा करने के बाद स्लीव को केंद्र रेखा से काटें और अलग करें, या आप इसे अपनी आवश्यकता या गारमेंट स्लीव के निर्माण के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मैंने अपने चैनल के माध्यम से इस विषय पर आपके संदेह को स्पष्ट किया है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं कुछ नई पैटर्न मेकिंग टेक्निक और नॉलेज शेयर कर सकूं। देखने के लिए धन्यवाद।